इसके अंदर जैसे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये एक डायपोल है और ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो वी सीधा क्या आएगा, जीरो। अगर आपको ये डायपोल का कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डिस्टेंस अगर आ रहा है तो ये डिस्टेंस भी यहाँ पर आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा इसके ऊपर, -20/r, और पॉजिटिव क्या लगाएगा, 20/r। फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो। राइट, क्लियर है यहाँ तक, तो जीरो आंसर है। अब ये क्वेश्चन है कि आपको वर्क डन निकालना है कि आप किसी भी चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हो, फ्रॉम सी टू इन्फिनिटी। तो आपको क्या निकालना है, इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी है कि सी टू इन्फिनिटी है क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन में सी टू इन्फिनिटी है, तो सी टू इन्फिनिटी है, मतलब इनिशियली ये चार्ज यहां पर पड़ा था और यहां पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो एरो बना लेता हूं। ये देखो, चार्ज -q को सी से इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं। राइट, रूल नंबर वन क्या निकालना है, वर्क डन। कितने चार्ज को लेके जाना है, -q। वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल का डिफरेंस। तो फाइनल पोटेंशियल कौन, इन्फिनिटी। इनिशियल कौन, सी। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, क्यू टाइम्स वी सी, क्यू इंटू वी सी। अगर मैं आपको वी सी बता दूं, आंसर आ जाएगा। अब सी पे पोटेंशियल लगाएगा कौन, क्यू 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 और क्यू, टेस्ट चार्ज तो लगाएगा नहीं, तो ये कैपिटल क्यू कितना लगाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय √2। और ऐसे कितने चार्जेस हैं, 4 × 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां पर कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, समझ में आ रहा है? देखो, नेक्स्ट है,